कोडरमा जिला के सबसे अधिक अति नक्सल प्रभावित प्रखंड सतगांव में सीआरपीएफ द्वारा सामग्री का वितरण किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत प्रखंड के कोठियार पंचायत अंबाबाद पंचायत के विभिन्न गांव में सीआरपीएफ द्वारा सामान ग्रामीणों को दिया गया। इस मौके पर वीडियो बैद्यनाथ उराव, स्थानीय जन प्रतिनिधि दुर्गा राय, सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट परमजीत सहित सीआरपीएफ जवान ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि सीआरपीएफ ग्रामीण की सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा को लेकर लगातार रात्रि में गश्ती किया जाता है, जिससे नक्सल गतिविधियों को विराम लगा सके। उनसे यह भी जानकारी मिली कि नक्सल प्रभावित गांव होने के कारण यहां कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन वह विश्वास दिलाते हैं कि अगर ग्रामीणों के साथ सहयोग मिलता रहा तो नक्सल गतिविधियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। आज रेडियो टॉर्च बांटा जा रहा है, वहीं स्थानीय जन प्रतिनिधि सीआरपीएफ द्वारा सामग्री वितरण की प्रशंसा किया, साथ ही अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं वीडियो ने कहा कि सीआरपीएफ द्वारा कुछ सामग्री वितरण किया गया, यह कार्य जनहित में है, ऐसे कार्य से लोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम करेंगे। चला था कोठियार पंचायत में लोग शादी नहीं करते, कोठियार पंचायत के में लोग शादी इसलिए नहीं करते कि नक्सल इलाका है, वहां पर आने जाने का तकलीफ है। सही है या सही था? जी आज कोठियार पंचायत के अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्राम पचाने में सीआरपीएफ के द्वारा आज जनता को रेडियो के द्वारा वितरण किया गया और बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आश्वासन दिया गया। इससे यहां की जनता बहुत खुश है कि सीआरपीएफ के द्वारा इस तरह के प्रोग्राम चलता रहे और यहां की जनमानस जो बिल्कुल कहर की जिंदगी जी रहे हैं वह अच्छा से जिंदगी जिये। आज मिडिल स्कूल पचाने जो कि दूरस्थ है कोठियार पंचायत का गांव, वहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम सीआरपीएफ की तरह से आयोजित किया गया और जनता से रूबरू हुआ और साथ में कुछ सामग्री बांटी गई जिसमें रेडियो है संचार का साधन के रूप में। इतने दूर सुदूर इलाके में लोगों से मिल बैठ करके उठ बैठ कर बातचीत करने से काफ़ी कुछ जानने समझने परखने को मिलता है और विकास के कार्य को गति देने में सहायता मिलती है। आज दिनांक 3 मार्च 2021 को श्री आर के सिंह कमांडेंट 22वीं महानी के निर्देश के अनुसार ग्राम पचाने जो कि आप देख रहे हैं नक्सल प्रभावित एरिया है और इसको इस गांव को अप्रोच करना भी जहां तक मुश्किल है जनहित की समस्याओं और बाकी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम करने का निर्णय लिया है और इसी के तहत आज हम लोग यहां पर एकत्रित हैं। इस गांव के वासियों के मनोरंजन के लिए आज हम लोग यहां पर रेडियो का वितरण कर रहे हैं।